हज़रत लाल शहबाज कलंदर, आपकी विलादत रजब के महीने में 538 हिजरी शहर मरवन में हुई। तारीख की वर्क गर्दानी और बुज़ुर्गों के अकवाल से साबित है कि आपका असल नाम शाह हुसैन और मशहूर आम उस्मान मरवंदी है। आपका सिलसिला नसब 15वीं पुश्त में जाके सरकार इमाम जाफ़र सादिक से मिलता है। आपके वालिद बुजुर्गवार सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन, जो कि इब्राहिम अलमुजाब या इब्राहिम जवाबी के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि जब सैयद इब्राहिम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आए और उन्हें सलाम किया तो उनको शहीद आज़म के रोज़े अतर से सलाम का जवाब मिला। एक दिन सैयद इब्राहिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से बिशारत मिली कि हम आपको एक बाज अता करते हैं, जो कि हमें अपने नाना जान की तरफ से बतौर इनाम अता हुआ है। और सैयद इब्राहिम को वो बाज कलंदर लाल शहबाज की सूरत में अता हुआ। लाल कलंदर आन मिलांगे, शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे, जूंदे रहते लाल कलंदर आन मिलांगे, शहबाज करे परवाज। जब कलंदर लाल शहबाज 12 साल की उम्र के हुए तो अपने साथी के हमरा जंगल की तरफ निकल जाते थे और एक जगह जहां खारदार झाड़ियां होती थी वहां डेरा डालते थे और अपने साथी से फरमाते थे कि ढोल बजाओ। वो ढोल बजाता और लाल सरकार धमाल डालना शुरू कर देते। जब आप मस्ती में आ जाते तो उन खारदार झाड़ियों में नंगे पाँव रक्स करने लगते और अपने पूरे बदन को उन खारदार झाड़ियों से लहूलुहान कर देते। जब उनका पूरा बदन लहू से लाल हो जाता तो बुलंद आवाज़ से याली याली की सदा देते हुए ज़मीन में गोता मारते और उस गोता मारने वाली जगह से उनके साथी को एक लाल मिलता, जो कि लेके वो घर वापस आ जाता था। अपनी इस कैफियत के मुतालिक लाल सरकार फरमाते हैं, अज इश्क दूस्त हर साथ दुरून नामी रक्सन, गहे दरखाक मी गलतम, गहे दरखाक मी रक्सन। तपदियां रेता हो करब बला दी धरती वांगू तपदियां रेता हो, चाया कलंदर पाक ने ते दीदार करांगे, जूंदे रहते लाल कलंदर आन मिलांगे, शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे, जूंदे रहते लाल कलंदर आन मिलांगे, शहबाज करे परवाज। शहबाज कलंदर मर, अलीबाग कलंदर मर, सरकार कलंदर मर, अलीबाग कलंदर मर।
लाल सरकार हिंदुस्तान की सैर करते हुए जब मुल्तान पहुंचे तो उनके हमरा चंद और रफीक भी थे। वहां पर आपने डेरा डाला और खाना पकाने के लिए आपस में काम तकसीम किया। लाल सरकार के हिस्से में गंदम पिसवाने का काम आया। लाल सरकार ने गंदम उठाई और शहर में चलते हुए एक घर के पास से गुजरे, देखा कि एक औरत चक्की पे आटा पीस रही है। आप उस औरत के पास गंदम रख कर सर झुका कर बैठ गए। चूँकि लाल सरकार इंतहाई हसीन और जमील थे, उनको देखते ही औरत के दिल में बुराई की ख्वाहिश पैदा हुई। वो बार बार लाल सरकार की तरफ देखती और मुस्कुराती, लेकिन लाल सरकार मुसलसल नज़रें झुकाए बैठे रहे। जब सरकार ने महसूस किया कि औरत की बुराई की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ रही है तो आप वहाँ से उठे और चलने लगे। औरत ने दामन पकड़ के कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी करो वरना मैं शोर मचा कर इल्ज़ाम लगाऊंगी। लाल सरकार ने फरमाया, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा गैर मर्द की तरफ देखना भी हराम है और हम दरवेश रोज़े से हैं। ये सुनकर औरत ने चोर चोर का शोर मचाया। मोहल्ले वाले जमा हो गए और लाल सरकार को लेकर काजी के पास गए। काजी ने कहा कि ए शख्स, इस औरत ने आप पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है और आप बग़ैर कोई गवाह पेश किए आज़ाद नहीं हो सकते। आपने फरमाया, मेरा गवाह इस औरत का वो बच्चा है जो उस वक्त झूले में लेटा हुआ था और इस वक्त अपने बाप की गोद में है। काजी ने कहा, आप क्या बात करते हैं, कभी झूले में लेटने वाला कोई मासूम बच्चा भी बोल सकता है? आपने फरमाया, अगर ईसा अलैहिस्सलाम शीर ख्वार होकर भी बोल सकते हैं तो वही कुव्वत इस बच्चे से भी गुफ्तगू करवा सकती है। लिहाजा बच्चे को मंगवाया गया और लाल सरकार ने उससे फरमाया कि अगर तेरा खालिक वही है जिसने ईसा को बचपन में कुव्वत गोयाई बख्शी थी तो बता दे कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। वो बच्चा सीधा होकर बैठ गया और कहने लगा, आप जो कुछ फरमाते हैं वो सच है, जुर्म मेरी माँ का है। काजी ने जब उस शीरख्वार बच्चे को बोलते हुए सुना तो फौरन उठा और लाल सरकार के हाथों पे बोसा दिया और अपने मसनद के बराबर लाके बिठा दिया। वहाँ पे लाल सरकार फरमाते हैं, जाम मेहरे अली जरदस्तम बादस जाम खुर्दम मस्तम कमर अंदर कलंदरी बस्तम अजे से दिल पाक हैदरी हस्तम हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। समंदर ओ असीत दम दम नाल दुरूद सलाम पढ़ांगे जूंदे रहते लाल कलंदर आन मिलांगे। शहबाद करे परवाद ते जाने राज दिलांदे जूंदे रहते लाल कलंदर आन मिलांगे। शहबाद करे परवाद लाल सरकार का एक वाक्या जो सिकंदर बोधला को ज़िंदा करने के मुतल्लिक है वो बहुत मशहूर है, लेकिन इसी तरह का एक और वाक्या लाल सरकार की ज़िंदगी में मिलता है। जब आप करबला की ज़ियारत करके हिंदुस्तान के सैर को निकले तो गिरनार जाते हुए रास्ते में एक रोती हुई औरत को पाया। आपने उस औरत से रोने का सबक पूछा। उस औरत ने बताया, सरकार मेरा बेटा गुम हो गया है। लाल सरकार ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, आपको अपना बेटा मिल जाएगा। ये कहकर लाल सरकार उस बच्चे के कदमों के निशानों पर चलते हुए एक सवाले में पहुँचे।
जहाँ सात जादूगर साधुओं का रूप धारे बैठे थे और उस बच्चे को ज़बह करके खा चुके थे। आपने उन पर एक जलालत की नज़र डाली और बच्चे को आवाज़ दी। बस सरकार की आवाज़ देने की देर थी और जादूगर के पेट से बच्चे की बोटियाँ निकलना शुरू हो गईं और थोड़ी देर में बच्चा जिंदा लाल सरकार के सामने खड़ा हो गया। लाल सरकार ने बच्चे को साथ लिया और जादूगरों को तंबीह करके वापस उस औरत के पास आया, औरत को अपने बच्चे से मिलाया। लाल सखी दे सदके हो वर दूर जुदाया, आके धमाला रो रो देवा रोज दुहाइया, लाल सखी दे सदके हो वर दूर जुदाइया, हो लाल सखी दे सदके हो वर दूर जुदाइया, हो कर्म करे लजपाल ते मुश्किल पार करांगे, जूंदे रहते लाल कलंदर आन मिलांगे, शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलांदे, जूंदे रहते लाल कलंदर आन मिलांगे।